सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तरन्नुम जिया। देखिए फ्रेंड, आज हम ये हरी मिर्च भरेंगे खटाई और जीरे से, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और इनको फ्राई किया जाता है। इसके लिए हमें पाँच सौ ग्राम ये मैंने हरी मिर्च ले ली है, 100 ग्राम हमें जीरा चाहिए। जीरे को देखिए मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। 100 ग्राम ही हमें ये अमचूर पाउडर चाहिए और नमक आप अपने टेस्ट से इसमें ऐड करेंगे। जब आप इस सबको एक जगह मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, तब आप नमक को टेस्ट कर लेंगे कितने नमक की आपको ज़रूरत है। देखिए अब हम इन तीनों का पेस्ट बना लेंगे, जीरा, अमचूर पाउडर और नमक। टाइट सा हमें इसका पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें लिक्विड सा नहीं बनाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका पेस्ट बनाएं। देखिए इतना टाइट इसका पेस्ट हमने बना लेना है। अब क्या करना है, इस हरी मिर्च के जो ये ऊपर होता है इसको हमने इस तरह से तोड़ देना है, इसे काटना नहीं है। अब बीच में से यहाँ एक साइड हमें कट इसमें लगाकर इस पेस्ट को इसमें इस तरह से आप उंगलियों से भर देंगे, अच्छी तरह से अंदर तक इसको इस तरह से दबाकर भर देना है। एक बहुत ज़्यादा मोटी मिर्च आती है अचार वाली, उस मिर्च को हमने नहीं लेना है। जो हरी मिर्च ही थोड़ी मोटी हो जाती है उसमें इस खटाई को भरना है। अचार वाली मिर्च इनसे और ज़्यादा मोटी आती हैं। इस तरह से हमें ये सब मिर्च को भर लेना है। देखिए इन सब मिर्चों को हमने भर लिया है, अब इन्हें हमने कम से कम 2 से 3 घंटे धूप में रख देना है, उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए जो हमने ये हरी मिर्च धूप में रखी थी सुखाने के लिए, 3 घंटे हो चुके हैं इनको, अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए हमने एक पैन में ऑयल डालकर रख दिया है, अब हम इसको तेज़ गर्म कर लेंगे। देखिए आपने सीधी सीधी सी करके ये मिर्च रखनी है और थोड़ा अपने आप को भी पीछे रखना है, कभी कभी गीली मिर्च होने की वजह से ये एकदम से पटक जाती है। देखिए बहुत ध्यान से इनको फ्राई करना होगा, जब ये एकदम काले रंग की हो जाए तब इनको निकाल लेना है। अगर हम खटाई भरकर एकदम से इनको तल लेते हैं तो इनका मसाला एकदम से बाहर आ जाता है, इसलिए इनको कम से कम 3 से 4 घंटे आप या सुबह से शाम तक भी इनको धूप में रख कर सुखा लें तो बहुत अच्छे से ये हमारी मिर्च फ्राई होगी। धीरे धीरे से इनको तेल में ऐड करते रहेंगे। चारों तरफ से इनको पलटते रहना है ताकि इनका ये हरापन खत्म हो जाए और ये अच्छे से तली जा सके। बहुत ही टेस्टी ये मिर्च होती है, इन आप दाल के साथ सब्जी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। देखिए ये वाली मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी करके ही आप इनको फ्राई करें, क्योंकि बहुत ही ध्यान से आपने इनको ऑयल में डालना है, गीली होने की वजह से ये काफ़ी इनसे तेल होता है।
लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बेहद मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये वाली भी हमारी मिर्च लगभग रेडी हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे। आप इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हो किसी एयर टाइट जार में, फ्रिज में रख दो, बहुत ही मज़ेदार ये लगती हैं। किसी भी सब्जी के साथ खाइए या पराठे के साथ, कभी कभी कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ में आप इस मिर्च को खाएंगे तो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी भी लगेगी। देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स भी करें किसी और डिश के लिए, और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताएं। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत मज़ेदार है, मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते आए हैं प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे कुकिंग वीडियोस को भी और निटिंग वीडियोस को भी। थैंक यू।